नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है। सीआईबी इंडिया न्यूज पर इस वक्त जारी है खबरों की रफ्तार का सिलसिला। आइए डालते हैं एक नजर पांच खबर। लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा भारत रक्षा दल जीएनपुर के कार्यकर्ताओं का प्राचीन महामाई मंदिर के स्थान पर स्वच्छता अभियान। बता दें कि जीएनपुर नगर पंचायत के नौसहरा वार्ड में भारत रक्षा दल जीएनपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार दूसरे दिन भी महामाई मंदिर में साफ सफाई अभियान चलाकर पूरे मंदिर परिसर को साफ किया एवं लोगों से अपील की कि आप लोग मंदिर परिसर की साफ सफाई रखें। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भारत रक्षा दल के नगर अध्यक्ष मदन शर्मा ने कहा कि नवरात्रि पर्व निकट है, शनिवार से नवरात्रि चालू है। हम लोगों ने देखा कि काफी दिनों से महामाई मंदिर पर काफी गंदगी फैली हुई है। नवरात्रि भी शुरू होने वाली है, लोग अपने घरों के साथ साथ नगर के मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे, जिसको देखते हुए बीते दो दिनों में भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाकर पूरे मंदिर परिसर में जमे घास एवं गंदगी को साफ किया। मदन शर्मा ने कहा कि नगर में जहां कहीं भी गंदगी होगी, हम सभी भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता वहाँ जाकर साफ सफाई करेंगे। आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना परिसर में की गई शांति कमेटी की बैठक। बता दें कि उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा तथा क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर महेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव द्वारा थाना परिसर में माह अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक आयोजित होने वाले प्रमुख त्योहारों दुर्गा पूजा, दशहरा, बारह वफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए शांति कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें जगह जगह प्रतिमा स्थापना, पूजा, मेला, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस, विसर्जन जैसी गतिविधियां संचालित होती हैं, जिसमें भारी जनसमूह एकत्रित होने की संभावना रहती है। ऐसे में कोविड 19 के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के दृष्टिगत कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जैसे कंटेनमेंट जोन में किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं होगी, शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य उपायों का प्रत्येक समय निरीक्षण किए जाने हेतु आयोजकों द्वारा मानव शक्ति तैनात किए जाएं तथा कोविड 19 के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। आयोजकों को अपने समस्त स्टाफ के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, थर्मल स्कैनिंग के लिए वॉलंटियर की तैनाती की जाए, कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों के प्रवेश और निकासी के अलग अलग रास्ते बनाए जाएं, शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने के मानकों के लिए निगरानी में सीसीटीवी स्थापित किया जाए, मूर्तियों की स्थापना खाली स्थल पर ही की जाए तथा मूर्ति का आकार छोटा लगभग 4 फीट हो, मैदान की क्षमता से अधिक लोग ना हो, चौराहे तथा सड़कों पर कोई मूर्ति नहीं रखी जाएगी, अन्यथा कोविड 19 प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मूर्ति विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहन, ठेला आदि का ही प्रयोग किया जाए, विसर्जन में केवल 5 व्यक्तियों की अनुमति होगी और इस पर कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजेगा, ना तो कोई जुलूस निकलेगा। रामलीला बंद कमरे हॉल जिसकी निर्धारित क्षमता 50% किंतु अधिकतम 200 व्यक्तियों तथा फेस मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश के साथ आयोजन स्थल पर सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार हेतु पीए सिस्टम का उपयोग किया जाए। मेला या प्रतिमा स्थापना एवं विसर्जन के लिए तथा रैली जुलूस के लिए जनपद के नोडल अधिकारी से अनुमति लेना होगा। इस मौके पर उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा ने बताया कि आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनजर अतरौलिया तथा सभी गांव के प्रतिनिधियों को तथा मूर्ति कलाकारों को बुलाया गया तथा इस संदर्भ में जो प्रोटोकॉल जारी किया गया है, मास्क, सैनिटाइजर तथा शारीरिक दूरी, इसके तहत सभी को निर्देशित किया गया है कि चौराहों पर या आम रास्तों पर मूर्ति की स्थापना नहीं होगी, परंपरागत स्थान को वरीयता दी जाएगी। यदि सार्वजनिक रास्ते या चौराहे पर तो वैकल्पिक मैदान की व्यवस्था की जाए, वहां मूर्ति स्थापना की अनुमति प्रतिबंधों के साथ दी जाएगी। सभी मूर्ति निर्माता अपने यहाँ एक रजिस्टर बनाए तथा जिस पूजा समिति को विक्रय करें, नाम, मोबाइल नंबर, पता, सब विवरण अंकित करें। मूर्ति विसर्जन उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गड्ढा खोदकर उसमें मूर्ति विसर्जन किया जाए, नदी में कोई विसर्जन नहीं होगा। इस मौके पर उपजिलाधिकारी दिनेश मिश्रा, क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला, थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव, अधिशासी अधिकारी संपूर्णानंद तिवारी, सब इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप यादव, सनी थापा, प्रदीप सिंह, अरविंद तिवारी, विनय सिंह आदि लोग मौजूद रहे।
कोतवाली बलिया थाना क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ले में मंगलवार की रात लगभग 10:30 बजे ट्राई साइकिल से बहादुर जा रहे विकलांग अजीत कुमार गुप्ता लगभग 30 वर्ष की अज्ञात बुलेट सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली की आवाज सुनने के बाद आसपास के लोगों ने अजीत को घायल अवस्था में देखने के बाद घटनास्थल से लगभग 100 मीटर दूर रह रहे परिजनों की इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही अजीत के पिता पारसनाथ गुप्ता और बहन पूनम गुप्ता व छोटा भाई अरविंद कुमार गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचकर आनन फानन में जिला अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए अजीत को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी जाते समय रास्ते में गाजीपुर के पास अजीत की मौत हो गई। मौत होने के बाद परिजन शव को लेकर बलिया वापस आए, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। घटना क्यों घटी अभी यह बात ज्ञात नहीं हो पाई है। मृतक अजीत के पिता पारसनाथ गुप्ता के अनुसार अजीत का किसी से कोई विवाद नहीं था और प्रतिदिन की तरह खाना खाकर वह बहादुरपुर स्थित अंडे की दुकान पर सोने जा रहा था कि घर के पास की ही सड़क पर हथियारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया कि मृतक की मासूम बेटी रात से ही पापा कहकर रो रही है। लगभग 6 साल पहले अपनी मां कंचन को जन्म के बाद ही खोने के बाद एक बार फिर विधाता ने मासूम के सर से पिता का भी साया छीन लिया है। हरदोई के संडीला कोतवाली इलाके में चोरों ने घर में सेंध लगाकर लाखों के जेवर नकदी पार कर दी। घर वाले बाहर सोते रहे, किसी को भनक तक नहीं लग सकी। कोतवाली इलाके में मीरनगर अजिगवा में महादेव अपने पुत्रों सूरज भान परशुराम और सचिन के साथ घर के बाहर पड़े छप्पर के नीचे लेटा था, जबकि उसकी पत्नी रामदेई घर के बरामदे में सो रही थी। तभी रात में किसी वक्त चोरों ने पीछे खेतों की तरफ से कमरे में सेंध लगा दी। अंदर घुसे चोरों ने कमरे को अंदर से बंद कर दिया। चोरों ने अंदर लगे 4 बक्से तोड़ दिए। 2 बक्से चोर उठा ले गए। सुबह शौच को गई महिलाओं ने खेत में बक्से पड़े देखे, महादेव को सूचना दी, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। रामदेई ने बताया कि चोर बक्सों में रखे उसके और बहू के सोने के चांदी के जेवर और उसमें रखी नकदी उठा ले गए हैं। परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी है। हरदोई के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आज गल्ला मंडी शाहबाद में हो रही धान खरीद का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी में विपणन शाखा के 2 केंद्र संचालित मिले, परंतु खरीद केंद्र पर अव्यवस्थाओं तथा काफी संख्या में खरीद किए धान के उठान न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने केंद्र प्रभारी अविनाश कुमार एवं विश्वनाथ मिश्रा को निर्देश दिए कि धान खरीद की समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर ली जाए और धान खरीद केंद्र पर आने वाले हर छोटे बड़े किसान की धान खरीद की नियमानुसार टोकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर कराएं तथा खरीदे गए धान का भुगतान समय पर किसानों को करें। धान का भंडारण समय से गोदामों कराने के संबंध में जिलाधिकारी ने डिप्टी RMO को दूरभाष पर निर्देश दिए कि शाहबाद मंडी में विगत दिनों में खरीद किए गए धान का उठान गोदामों में कल तक हर हाल में कराएं और जनपद के सभी धान क्रय केंद्रों से खरीदे गए धान की उठान प्रतिदिन कराते हुए गोदामों में सुरक्षित कराना सुनिश्चित करें। मंडी में पेयजल, छाया एवं किसानों के बैठने आदि की उचित व्यवस्था न मिलने पर जिलाधिकारी ने मंडी सचिव रामजी चौधरी को फटकार लगाई तथा निर्देश दिए कि मंडी में धान आदि लाने वाले किसानों को पेयजल, छाया, विश्रामालय तथा शौचालय आदि की उचित व्यवस्था कराएं तथा मंडी में आने वाले किसी प्रकार की असुविधा न होने दी जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित तहसीलदार शाहबाद अवधेश कुमार को निर्देश दिए कि तहसील में किसानों के पंजीकरण हेतु बने कंट्रोल रूम एवं पंजीकरण स्थानों के दूरभाष नंबर एवं पता बड़े बैनर पर लिखवा कर मंडी गेट तथा मंडी के आसपास लगवाएं, ताकि धान विक्रय करने वाले किसान आसानी से अपना पंजीकरण करा सके। उन्होंने तहसीलदार से कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले किसानों को लेखपाल के माध्यम से समय पर पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं।